सिर्फ 7 दिन में आज का ये उपाय या आज जो मैं तरीका आपको शेयर करने वाली हूँ, इतना आसान है, घर बैठे इजीली आप अपने वजन को और अपने बेली फैट को कम कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लैब। सो फ्रेंड्स, हम सबका ड्रीम होता है या सपना होता है कि हमें भी मिले ऐसी पतली कमर। हर कोई चाहता है बिल्कुल हीरोइनों जैसी एक पतली कमर हमें भी मिले। जो भी ड्रेस हम पहने वो दिखने में बहुत अच्छी लगे, इवन साड़ी भी जब आप पहनो वो साड़ी भी दिखने में बहुत सुंदर लगे। तो हर कोई हम लोग यही चाहते हैं। हम चाहते हैं मोटी कमर से हमारी कमर चेंज होकर ऐसी पतली हो जाए, लेकिन बहुत आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए। हर किसी को जल्दबाजी होती है हर चीज़ की। तो आज मैं आपको 7 दिन के अंदर मोटी कमर से पतली कमर कैसे कर सकते हो उसी का आज मैं आपको तरीका बताऊंगी। बहुत आसान तरीका है, आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, आप भी अपनी मोटी कमर को पतली कर सकते हैं बहुत आसानी से। जी, सबसे पहले अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, इवन 60 किलो भी है, ज़्यादातर लड़कियों की जो है हाइट कितनी होती है, हाइट होती है 5 फुट 2 इंच 3 इंच, इतनी हाइट होती है मैक्सिमम अक्सर लड़कियों की, या फिर 5 फुट होती है। तो इनका वज़न कितना होना चाहिए, इन लड़कियों का वज़न जिनका ऐसा हाइट है 5 किलो से 2 इंच 5 फुट 3 इंच 5 फुट 4 इंच है, तो इनका वज़न होना चाहिए 50 के अंदर, यानी 48 से 50 के अंदर, या फिर 51 52, इतना होना चाहिए वज़न, वेट इतना होना चाहिए। 50 का जो वेट है वो बिल्कुल सही वेट है। इस वेट में अगर आप आ जाते हैं आपको मिलेगी बिल्कुल पतली कमर, आपका फिगर बिल्कुल सही रहेगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आप हेल्दी दिखोगे, लेकिन आप बहुत पतले और खूबसूरत दिखोगे। ऐसा नहीं है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि पतले होने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देती हैं, तो उनका मुंह सूख जाता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, मुंह सूख जाता है, हाथ पैर पतले एकदम सुकड़े से लगते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा जो हीरोइनें हैं मूवीज़ की, जो हीरोइनें हैं वो लोग दुबली पतली होती हैं, खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनका उनमें उनके चेहरे में ग्लो होता है, उनका फिगर बहुत अच्छा लगता है, जो भी ड्रेस पहनती है अच्छी लगती है, क्योंकि वो अपना खाना पीना ठीक से मेंटेन करती हैं, साथ ही वो एक्सरसाइज करती हैं। तो हमें भी वही दोनों चीज़ें ठीक से करनी है, ध्यान से करनी है। आपको क्या करना है, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले अपना वज़न कम कीजिए। वज़न कम करने के लिए आप एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज आपको सिर्फ 10 या 20% आपको फ़ायदा दे सकता है। आपको करना पड़ेगा डाइट, और डाइट का मतलब ये नहीं है कि महंगी महंगी चीज़ें आपको खानी है, डाइट का मतलब है घर का खाना ही आपको खाना है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे मीठा खाना छोड़ दे बिल्कुल। जब तक आपका 50 60 या जब तक आपका 60 किलो 70 किलो या 80 किलो वज़न है वो आके 50 या 55 में जब तक नहीं रुकता, तब तक आपको मीठा नहीं खाना है। आपको अपना वज़न 50 किलो पर रखना है, 50 किलो करना है। आप ये टारगेट बना के रखो, अपने दिमाग में सेट कर लो इसको कि मुझे 50 किलो अपना वेट रखना है। तो आपको क्या करना है, 60 70 80 से 50 में लाना है। इसके लिए आपको मीठा खाना बंद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तली भुनी पूड़ी कचौड़ी पकौड़े इनको मत खाइए, चीला बना के खाइए, हल्के तेल में, बिल्कुल हल्के तेल में सैलो फ्राई करके आप खाना खाइए, अगर आपको फ्राइड खाना भी है हल्के तेल में बना के खाइए। और मैदा बिल्कुल अवॉइड कीजिए, मैदे वाली चीज़ें मैदा बिल्कुल मत खाइए। जो बिस्किट्स होते हैं बाजार में, भूख लगी है बिस्किट खा लिया आपने खोल के, तो बिस्किट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मैदा होता है, शुगर होता है, हमारा फैट बढ़ा देता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। रही बात अब खाने की, तो खाना आप घर में जो पक रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी पक रही है वही आप खाइए, लेकिन मात्रा थोड़ी कम कीजिए। रोटी और चावल की मात्रा आपको कम रखनी है, सब्जियां दाल सलाद दही इनकी मात्रा आप ज़्यादा खाइए, लेकिन रोटी और चावल को थोड़ा कम खाइए। बस इतना आपको करना है, आपका वेट ऑटोमेटिकली 80 से 50 पे आ जाएगा बिल्कुल, आपको कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको 70 80 90 किलो से 50 किलो में आने के लिए सबसे अच्छा और आसान एक्सरसाइज है वॉकिंग, यानी पैदल चलना। रोज़ सुबह शाम कोशिश कीजिए कम से कम 30 मिनट पैदल चलिए, बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर में अपने रूम में घड़ी देखकर बस वॉकिंग कीजिए, पैदल वॉकिंग कीजिए आप, घड़ी देखकर घर में ही।
बस यही आपका 80-90 किलो से वजन लेकर आ जाएगा 50 किलो में, और कुछ नहीं करना है आपको। अब बात करते हैं बेली फैट कम करने की। वजन तो आपने कम कर लिया, अब 50-55 के वेट में आ गए आप। आपका जो वेट है वो 50 किलो या 55 किलो में आ चुका है। अब आपको बेली फैट कम करना है अपना, आपको बनानी है वैसी ऐसी बिल्कुल पतली कमर। चलिए अब ये बताती हूँ क्या करें। पतली कमर को बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ खास एक्सरसाइज जो आपके इस पतली कमर को पतली करेगा। उसके लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस होते हैं, वही आपको करने पड़ेंगे, तब आपको मिलेगी आपकी पतली कमर। हमेशा एक्सरसाइज कब करें? खाली पेट बेस्ट टाइम होता है सुबह का टाइम, शाम के टाइम, ये दोनों टाइम होते हैं बेस्ट एक्सरसाइज के लिए। कम से कम खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद एक्सरसाइज करें, तभी आपका जो एक्सरसाइज है वो आपको असर करेगा, आपका एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी से निकाल देगा। एक्सरसाइज करने से पहले, जैसे कि एक्सरसाइज आप करने जा रहे हो, एक वर्कआउट करोगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए आप बिल्कुल खाली पेट ना रहें। आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, ज़रूर थोड़े से 2 मुट्ठी भर इतना सा ड्राई फ्रूट्स आप खा लो। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पानी ज़रूर पियो, लेकिन पेट भर कर पानी नहीं, एक छोटे से ग्लास में इतना सा पानी पियो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा लो, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करो। ये आपको एनर्जी देगी, एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करेगी बॉडी को, एनर्जी देगी, आपको इच्छा होगी, आप एनर्जी आपको मिलेगी, तभी ना आप ठीक से एक्सरसाइज कर पाओगे। तो एक्सरसाइज एकदम से मत शुरू करो, आप एक ग्लास ऐसा छोटा ग्लास, आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, बिल्कुल छोटा ग्लास थोड़ा सा पानी पीना है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, या फिर भी फ्रूट्स खा सकते हो, एप्पल ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी एप्पल ले सकते हो, या फिर आप एक बनाना ले सकते, एक केला आप खा सकते हो, एक अमरूद खा सकते हो, कोई भी फ्रूट, एनी फ्रूट, तरबूज खा सकते हो, एक बोल एक छोटी कटोरी, तो ऐसा कुछ खाने के खा कर, छोटी थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में खा कर एक्सरसाइज शुरू करो। ये आपको एनर्जी देगी एक्सरसाइज करने की, और आपको मोटिवेट भी रखेगी, आप डिप्रेशन में नहीं आओगे या आप लेथर्जी फील नहीं कर सकते हो। अगर आपको चाय पीने की आदत है, सुबह एक्सरसाइज करने से आप सुबह उठते आपको चाय की तलब लगती है, चाय की आदत है, तो आप क्या करो, ब्लैक कॉफ़ी बना के पियो। सिर्फ गर्म पानी में आपको आधा चम्मच थोड़ा सा कॉफ़ी मिक्स कर लेना है, उसे पीना है, शुगर नहीं डालना है, मिल्क भी नहीं डालना है, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी आप पियो। ये आपको बहुत एनर्जी देगी एक्सरसाइज करने के लिए, और साथ ही साथ ब्लैक कॉफ़ी बेली फैट को कम करने में भी मदद करती है, तो ब्लैक कॉफ़ी आप पी लो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। या फिर आप ले सकते हो ग्रीन टी, आप 1 कप ग्रीन टी बनाकर पी लो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ये भी आपको एनर्जी देगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपको मतलब इतनी एनर्जेटिक आप रहोगे कि एक्सरसाइज पूरी आप कंप्लीट कर पाओगे, इवन आपकी बॉडी में जो सुस्ती है उसको दूर करने में भी मदद करेगी ये 2 चीज़ें। तो आप चाहो तो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी के साथ भी आप फ्रूट्स ले सकते हो, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आपको लेनी है। चलिए ये तो मैंने बता दिया एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको क्या खाना है, और अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी बेली फैट को कम करने के लिए, कैसे हम अब मोटी कमर से पतली कमर में खुद को चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। और ये वाले एक्सरसाइज आपको 7 दिन करने हैं, जो मैं बता रही हूँ उसे आपको 7 दिन करना है। 7 दिन में आप अपना बेली फैट बिल्कुल कम कर सकते हो, आपको मिलेगी बिल्कुल पतली कमर। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सुबह और शाम 5-5 मिनट के लिए ये वाली एक्सरसाइज करें। इस तरह से सीधे लेट जाएं, सीधे लेट जाने के बाद एक पैर को सबसे पहले ऊपर उठाएं, धीरे से बिल्कुल 90 डिग्री में, 90 डिग्री में बराबर ऊपर उठाएं, 1 से 5 तक गिनती करें, फिर नीचे उतारें, फिर दूसरे पैर को भी इस तरह से ऊपर उठाएं, फिर 1 से 5 तक गिनती करें, नीचे उतारें। इस तरह से आपको इसे कितनी बार करना है, 50 बार, 50 टाइम्स। जी हाँ, अगर आपने ये वाला बहुत आसान एक्सरसाइज है, ये आपका बेली फैट बिल्कुल कम कर देगा। अब जो दूसरा एक्सरसाइज है, दूसरे एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, बस पैरों को एक साथ जोड़ें और इस तरह से ऊपर उठाएं, नीचे, बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना है, बस थोड़ा सा ऊपर उठाएं, नीचे उतार दें, ऊपर उठाएं, नीचे उतार दें, और अपना हाथ जो है आप अपने कमर के नीचे रख सकते हैं हाथों को, और अगर आप चाहें तो पास में अपने पास भी रख सकते हैं। इस तरह से बस आपको इसे भी 50 बार करना है,
और अब दूसरा एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज में ये देखिए, अपने हाथों को कमर के नीचे रखे इस तरह से, इससे सपोर्ट मिलेगा। पैरों को सामने की तरफ इस तरह से किक लगाना है आपको, जैसे कि आप कुछ चीज धकेल रहे हो, ऐसा आपको करना है बस। दूसरा एक्सरसाइज, इस तरह से आप झुक जाएं, हाथों को आगे की तरफ कर लें और पीछे आप चाहे तो कोई दीवार या अपने पलंग का या दीवार का सपोर्ट ले लें और पैरों को इस तरह से दीवार से टिका दें, या पलंग है तो पलंग के हेड की तरफ आप पैरों को इस तरह से टिका दें और हाथों में बैलेंस करें इस तरह से। थोड़ी देर रुकें, 1 से 10 तक गिनती करें, फिर आप नॉर्मल पोजिशन में आएँ। इसके बाद फिर से इस तरह से अपने दीवार पर या पलंग पर अपने पैरों को टिका दें और हाथों को इस तरह से रखें और इस तरह से बैलेंस करें। आप 1 से 10 तक गिनती करें, 1 से 10 तक गिनती करने के बाद आप फिर से नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से आ जाएं। फिर इस दोबारा आप इस तरह से करें। इसे आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 बार करना है, 20 times 20 बार अगर ये वाला एक्सरसाइज आप करते हैं, मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि आपका 7 दिन के अंदर बेली फैट बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये वाले एक्सरसाइज, ये वीडियो देख देख कर एक्सरसाइज करें आप। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। आप इसे कोशिश करके देखें 7 दिन और मुझे आके कमेंट करें कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। इससे मैं 100% गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसे। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे भी आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ मैं शेयर करती रहूँगी। फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।